दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस केस को सॉल्व करने में एनसीबी, सीबीआई, ईडी ये तीनों एजेंसियां काफ़ी ताकत से लगी है और एनसीबी से इंक्वायरी करने के तहत इस केस में ड्रग का मामला भी सामने आया है और इस केस से जुड़े चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। इस चैट से पता चला है कि रिया चक्रवर्ती गौरव नाम के एक शख्स से चैट पर बात करते दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि वो जिस ड्रग के बारे में बात कर रही है उसका नाम है MDMA, जो कि बहुत डेंजरस ड्रग है। तो फिर चलिए दोस्तों, MDMA ड्रग इंसान के लिए कितना घातक साबित हो सकता है वो हम ये वीडियो के ज़रिए डिटेल में जान लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे माइंड कोच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, MDMA का फुल फॉर्म है मेथिलीन डाइऑक्सी मेथामफेटामाइन। ये एक एम्थोजन है जिसका मतलब यह है कि यह ड्रग व्यक्ति में सहानुभूति और दूसरों के प्रति दया की भावना को बढ़ाता है और इसके साथ ये शरीर के मेटाबॉलिज्म, दिमाग से रिलीज होने वाले हार्मोन्स और केमिकल्स को बढ़ाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज के मुताबिक ज़्यादातर लोग इसे टैबलेट या पाउडर के फॉर्म में सेवन करते हैं। आमतौर पर इस ड्रग को मॉली और एक्सटेसी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब ये समझ लेते हैं कि यह ड्रग लेने से बॉडी में कौन से असर दिखने शुरू हो जाते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट के मुताबिक ये एक साइकोट्रोपिक ड्रग है। इसका असर देखा जाए तो ड्रग लेने के 30 से 40 मिनट बाद शुरू होता है और हमारे बॉडी में इसका असर 3 से 6 घंटे तक रहता है। दोस्तों, इस ड्रग को लेते ही इंसान काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। इसे लेने के बाद सबसे पहले इंसान काफ़ी खुश महसूस करता है। इससे इंसान की सोच बदलने लग जाती है। इसके साथ फिर धीरे धीरे दिमाग से उसका कंट्रोल खोने लगता है और वो इंसान मति भ्रम का शिकार हो जाता है। इसका इस्तेमाल करने वाले इंसान को थकावट महसूस नहीं होती और वो अधिक बातें करने लगता है। दोस्तों, दिल्ली की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विशेषज्ञ रही मधुलिका शर्मा ये बात कहती है कि यह ड्रग सीधे तौर पर दिमाग पर असर करता है। ड्रग का असर होने पर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसके सोचने की क्षमता नहीं रहती और उसके साथ उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। दोस्तों, इस ड्रग का असर शुरू होते ही दिमाग में तीन तरह के हार्मोन बढ़ने लगते हैं जिससे दिमाग धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगता है। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि वो तीन घातक हार्मोन्स कौन से हैं। दोस्तों, फर्स्ट हार्मोन है डोपामाइन। इसकी मात्रा बढ़ने पर इंसान खुद को बहुत खुशी से भरा महसूस करता है, इसके साथ अधिक एक्टिव नज़र आता है और उस इंसान के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस दिखाई देते हैं। सेकंड हार्मोन है नोरेपिनेफ्रिन। यह हार्मोन हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर ये ड्रग हार्ट के पेशेंट लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, थर्ड हार्मोन है सेरोटोनिन। यह हार्मोन इंसान के भूख, मूड, नींद को प्रभावित करता है। इसके साथ ये सेक्स की चाह जगाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको बढ़ाता है। दोस्तों, लोग लंबे समय तक इसे लेने से उसके आदी हो जाते हैं क्योंकि इसके असर के कारण उन्हें थकान महसूस नहीं होती, भूख नहीं लगती, डिप्रेशन का एहसास नहीं होता। ये आम वजह है जिसके कारण इंसान इसका बार बार सेवन करता है। कुछ लोग MDMA ड्रग के साथ अल्कोहल, कोकीन, गांजा और कई प्रकार के ड्रग्स लेते हैं, जो कि ये कॉम्बिनेशन इंसान के शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, MDMA ड्रग को इंसान अगर लंबे समय तक लेता है तो इस ड्रग की हाई डोज से बॉडी की टेम्परेचर कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी होती है उस पर इसका असर पड़ता है और शरीर का तापमान अधिक बढ़ने पर लीवर, किडनी और हार्ट फेलियर जैसी घटनाएं हो सकती है या फिर उस इंसान की मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस से जुड़ी MDMA ड्रग्स की। मुझे लगता है आप इसे बिल्कुल समझ गए होंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।